में हमने आज पढ़ना है टाइप्स ऑफ मोशन क्या है, और टाइप्स ऑफ मोशन के साथ साथ में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन को। हम डिस्कस करेंगे कि मोशन को हम ग्राफिकली कैसे लेते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा बनेगा या वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, इसके केसेस भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम मोशन की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ मोशन में मैंने तो बहुत सारी टाइप्स बताई थी आपको, लेकिन अगर इन जनरल हम देखेंगे तो मोशन की दो टाइप्स है, एक है यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है? यूनिफॉर्म मोशन होता है जब एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, ठीक है ना, तो उससे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब आप कहोगे एग्जांपल क्या है, तो एग्जांपल लिख लेना कि एक कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, एक कार जो है वो स्ट्रेट लाइन पाथ से मूव कर रही है, तो ये एक एग्जांपल है यूनिफॉर्म मोशन का। दूसरा आता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो गया, जब एक बॉडी कवर करती है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम पे, तो ऐसी बॉडी को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। एग्जांपल है व्हेन अ कार मूविंग ऑन अ क्राउडेड स्ट्रीट, जब एक कार क्राउडेड स्ट्रीट में मूव कर रही है इज द एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आप क्राउडेड स्ट्रीट से बाइक चला रहे हो, कार चला रहे हो, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ स्ट्रेट लाइन पे आप चल रही है, आपकी हाईवे पे गाड़ी चल रही है, दैट इज एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। नाउ अब है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मोशन। देखिए मोशन को हम ग्राफ की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करेंगे, स्लोप्स बनाएंगे, अपवर्ड ग्राफ जाता होगा, डाउनवर्ड ग्राफ जाता होगा। तो मोशन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, हम बहुत तरीकों से हम मोशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं ग्राफिकली, लेकिन कुछ मेथड्स मैंने बताए हैं। सबसे पहला आता है इसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए इसको बोलेंगे हम एस टी ग्राफ। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? दूसरा आता है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? इससे हम बोलेंगे वीटी ग्राफ। एक्सीलेंट। नाउ द थर्ड इज हमारा आता है डिस्प्लेसमेंट। थर्ड क्या आता है? तो इसको हम बोलेंगे एस, और वेलोसिटी आता है वी, तो ये कौन सा ग्राफ बनेगा? तो तीन ग्राफ मोशन के आपने याद रखने हैं, एक आ गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, दूसरा आ गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तीसरा आ गया डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ग्राफ, यानी कि एस टी ग्राफ, वी टी ग्राफ, एस वी ग्राफ। ये तीन ग्राफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको आनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसको हम पढ़ते हैं एस टी ग्राफ भी। क्या पढ़ते हैं? एस टी ग्राफ। एस टी ग्राफ बोले तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसमें सबसे पहला नंबर केस, जब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में, देखिए इसको मैंने ग्राफिकली बताया है, हमारे पास जब भी हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक होता है, दो एक्सिस हम बनाते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस, दूसरा होता है वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो ये मैंने एक्स एक्सिस ले लिया, ये मैंने वाई एक्सिस लिया है। एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम को रिप्रेजेंट किया है, वाई एक्सिस पे मैंने डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किया है। लेट्स सपोज यहां पे बॉडी नंबर एक्स है, ये क्या हमारे पास बॉडी एक्स है। कहता है कि अगर बॉडी रेस्ट में है, अगर पार्टिकल या बॉडी या ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो बताओ जी वेलोसिटी, ये दिस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा बनेगा। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो टाइम के साथ साथ ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, लेकिन ये लाइन ग्राफ जो है इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के पैरेलल में अगर ग्राफ बना, टाइम एक्सिस के पैरेलल में अगर ग्राफ बना, तो दैट मींस बॉडी जो है वो रेस्ट में है। किसमें है? रेस्ट में है। तो इससे यहां पे जो एसटी ग्राफ बनता है, ये मैंने बताया, ये बनता है हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ, और ये पैरेलल होता है एक्स एक्सिस में, पैरेलल होता है एक्स एक्सिस में। इस ग्राफ से हमें क्या पता चलता है? इस ग्राफ से हमें ये पता चलता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ द बॉडी। टाइम के साथ साथ इस बॉडी की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया। ये ग्राफ या तो ऊपर जाना चाहिए था या नीचे जाना चाहिए था। अगर ऊपर जाता तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नीचे आता तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। ये तो ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट है, तो पोजीशन ऑफ द बॉडी में कोई चेंज नहीं आया। दैट मींस कि ये बॉडी जो है इट रिमेंस एट पॉइंट एक्स, ये बॉडी जो है एक्स पॉइंट पे ही रही। इसका ये मतलब हुआ कि बॉडी जो है वो स्टेशनरी है। क्लियर टू यू? Now, दूसरा आता है when an object is moving with zero acceleration, एक object या particle जो है वो zero acceleration से move कर रहा है। तो हमने यहाँ पे displacement time graph को बताना है। तो एक side से हम time ले लेंगे, एक side से हम लेंगे displacement। तो time के साथ साथ displacement में क्या change आएगा? हमारे पास एक body है, ये A body यहाँ पर है,
ये बॉडी जो है ये जीरो एक्सेलरेशन के साथ कैसे ग्राफ बनेगी, तो ये जीरो एक्सेलरेशन के साथ ये स्ट्रेट ग्राफ बनता है, लेकिन स्ट्रेट ग्राफ में थोड़ा सा स्लोप होता है और ये स्लोप जो है ये पॉजिटिव स्लोप होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव स्लोप। तो अगर बॉडी मूव कर रहा है जीरो एक्सेलरेशन से तो ग्राफ जो है वो स्ट्रेट ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट ग्राफ बनेगा, लेकिन ग्राफ जो है वो पॉजिटिव स्लोप की तरफ जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी जो है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इज इट क्लियर टू यू? नाउ तो द थर्ड वन इज दैट इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब ऑब्जेक्ट जो है ये मूव कर रहा है यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन से। अगर यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो हम ग्राफ क्या बनाएंगे? डिस्प्लेसमेंट। हम ग्राफ बनाएंगे एसटी ग्राफ। एक साइड से हम लेंगे डिस्प्लेसमेंट, दूसरे साइड से हम लेंगे टाइम। तो सपोज करो हमारे पास ये ए ऑब्जेक्ट है। अब ग्राफ मूविंग कर रहा है यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन साथ साथ बढ़ता जा रहा है। अगर साथ साथ बढ़ता जा रहा है तो ग्राफ भी पॉजिटिव बनेगा। क्या बनेगा? ग्राफ पॉजिटिव बनेगा। थोड़ा सा कर्व आएगा। क्या आएगा? कर्व आएगा। और ये जो कर्व है ये स्लोपिंग में आएगा। कहां आएगा? स्लोपिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड। ये जो कर्व है ये क्या आएगा? स्लोपिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड। इससे हमें ये पता चलता है कि बॉडी जो है ये अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इट इज क्लियर टू यू? नाउ नेक्स्ट आता है केस नंबर फोर्थ। केस नंबर फोर क्या है? व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन से हैविंग सेम पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी, तो यहां पे पहले तो कोई पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी है, तो यहां पे बनेगा वीटी ग्राफ, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा। तो एक साइड से हम वेलोसिटी लेंगे, एक साइड से हम टाइम लेंगे। तो सबसे पहले वेलोसिटी पे कोई पॉजिटिव, सबसे पहले पॉजिटिव वेलोसिटी था, इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो पॉजिटिव थी। तो बाद में जब नेगेटिव एक्सेलरेशन आ गया, यानी कि डिक्लेरेशन आ गया, तो जो वेलोसिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी टाइम के साथ साथ। तो वेलोसिटी एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे वेलोसिटी जो है वो जीरो आएगी। क्या आएगी? जीरो आएगी। इससे हमें ये पता चलता है कि वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है विद यूनिफॉर्म टाइम। टाइम यूनिफॉर्म टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में गिरावट आ रही है, वो डिक्रीज हो रही है। क्लियर है ये चीज? नाउ केस नंबर फाइव। When an object is moving with increasing acceleration, अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है increasing acceleration में having zero initial velocity, पहले तो initial velocity क्या है? Zero है, तो यहाँ पे graph बनेगा VT graph। क्या बनेगा? Velocity time graph। तो पहले velocity zero है, आप accelerate कर रहे हो, अगर accelerate कर रहे हो velocity zero है तो graph बढ़ेगा, positive slope बनेगा। कैसा बनेगा? positive slope बनेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने बनाया है time के साथ साथ graph कैसा बना, ये positive slope बन रहा है। Now केस नंबर लास्ट है, दैट इज केस नंबर सिक्स। कहता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, एक ऑब्जेक्ट जो है वो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेटर पहले आपने एक्सेलरेटर दिया, बाद में वो डिक्रीज हुआ, तो ग्राफ जो है पहले आपकी स्पीड इंक्रीज हुई लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्राफ गिर रहा है, विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्राफ गिर रहा है। तो टाइम के साथ साथ ये ग्राफ भी जीरो पोजिशन पे पहुंचेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन क्या है और हम ग्राफिकली कैसे मोशन को रिप्रेजेंट करेंगे। थैंक यू।